लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के जीमा चटकपुर गांव में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रतनु महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी नकाब पहने हुए थे। घटना रविवार देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कुड़ू अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना सुबह में पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने शूटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक मृतक रतनु महतो भाजपा संगठन में चटकपुर बूथ अध्यक्ष थे। रविवार की रात वह घर के बरामदे में अपनी नाती के साथ सोए हुए थे। पास में ही उनका बेटा मच्छरदानी लगाकर पढ़ाई कर रहा था। घर के भीतर बेटा, बेटी, दामाद, बहू, पत्नी और बच्चे भी थे। घर का दरवाज़ा खुला था। इसी दौरान एक नकाबपोश अपराधी घर में घुसा और रतनु महतो की कनपट्टी में सटाकर गोली मार दी। रात में खाना उना खा के सो रहे थे और दरवाज़ा खुला था। इनका बेटा वहीं पर पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते इनका भी आँख लग गया, सो गए। दरवाज़ा खुला था, इसी बदियान है से वहीं का बगल लोग षडयंत्र के तहत मरवाया है। क्या षडयंत्र लगता है? वो लोग षडयंत्र में ही है, कुछ विवादियल आपसी है घर घराना में। कितने लोग थे, कैसे घटना को अंजाम दिए? घटना को अंजाम तो ये तो सामने फ्रंट में हम लोग नहीं थे, मगर जिस टाइप से फैमिली लोग बतलाएं उसी आधार से हम लोग बतला रहे हैं। हुआ क्या क्या था? हुआ यही कि मार दिया इसको। कैसे? गोली से मार दिया है। कितने बजे रात की घटना है, क्या कर रहे थे लोग और कितने लोग आए? 2 बजे रात को। 2 बजे रात। कितने लोग आए थे? 5 आदमी आए थे। क्या नाम हो गया भाई आपका? मेरा नाम सुबोध यादव है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।